समझ में नहीं आता है कि बंदा किस में खाए और किस में ना खाए। फोड़ दो। अब ये बस जो है मेट्रो लाइन ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये कतर का सबसे पॉश एरिया कहलाता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, प्रिवियत, नमस्ते, नी हाओ, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जाने लगे हैं वक्रा बीच, तो चलें चलते हैं वक्रा बीच और आपको भी दिखाते हैं कि कतर का वक्रा बीच कैसा है। आगे समुंदर स्टार्ट हो जाता है और ये बीच में थोड़े थोड़े पानी के रिजर्वायर्स खड़े हैं। जो है हमारा सनसेट उस साइड से होता है। कतर जो है वो ऐसा एक जजीरा नुमा जगह है, ज्यादातर जगहों पे सनसेट जो है वो अपोजिट सी होता है। हम पहुंच गए इस खूबसूरत से नज़ारे के पास। मेरे साथ मौजूद हैं शाकिर साहब और साथ साहब मोती मिला। ये क्या चीज है ब्लैक? ये सनसेट कितना खूबसूरत है यार। पानी थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है और थोड़ा थोड़ा ठंडा ठीक सी जगह पे महसूस हो रहा है। पाँव में बिल्कुल वो सी शेल्स जो होते हैं वो पाँव में लग रहे हैं। सुकून देने वाली जगह है। दिन आएंगे, दिन को आएंगे और यहाँ पे नहाए धोएंगे। अभी हम एक जगह पे हैं, इसका नाम है मतार कदीम। तो यहाँ पे इस पूरी लाइन में तकरीबन 150, 200, 300 इस तरह कोई रेस्टोरेंट्स होंगे और हर तरह का रेस्टोरेंट आपको मिलेगा। आपको टर्किश खाना है, आपको लिबनानी खाना है, आपको पाकिस्तानी, इंडियन। समझ में नहीं आता है कि बंदा किस में खाए और किस में ना खाए। ये है जी मेट्रो लाइन बस। ये बस जो है मेट्रो लाइन ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कोई भी बंदा जिसके पास मेट्रो का कार्ड बना हुआ है वो इस पे इजीली जा सकता है। कुछ दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं तो हम चलते हैं दोस्तों के पास। फोड़ दो। गाइस, हम मौजूद हैं दोहा सिटी सेंटर की स्काईलाइन के पास। तो आपको दिखाते हैं, आप मेरे से देख रहे होंगे स्काईलाइन, तो आपको डिटेल व्यू दिखाते हैं स्काईलाइन का। आज हम मौजूद हैं लोसेल कतर दोहा में। लेबनान वर्सेस कतर पहला मैच है एशिया कप का। तो ये कतर का सबसे पॉश एरिया कहलाता है। इसका नाम लोसेल बुलेवार्ड है और सबसे जो ज़्यादा पॉश और वेस्टर्न टच में जो एरिया है कतर का वो यही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एडवांस कोई जगह है कतर में। चलते चलते पहुंच आए हैं इस खूबसूरत जगह पे। यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त इधर ही कहीं पे इंतजार कर रहे हैं, तो मिलते हैं अपने दोस्तों से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये जी हमारे उबैद साहब घर के पास, अरसलान साहब, मसरूर साहब और ये रईस साहब, सॉरी ये यहाँ के कतर के रईस है। कंट्रीज ने अपने स्टॉल लगाए हैं और अभी हम जाते हैं कंट्रीज के स्टॉल्स को देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं साथ में। हमारा
और वक्त के साथ साथ बिल्कुल ही रश ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि ये एशिया कप है, तो इसी वजह से इन्होंने एशिया के जितने भी ममालिक हैं उनके स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इधर ऊपर इन्होंने झंडे डिस्प्ले किए हुए हैं तमाम एशियन कंट्रीज के। घर जा रहे हैं तो चलें, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।